रियलिटी में देर इज नो सेपरेट प्रिपरेशन फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। पर्सनली मैंने कोई ऐसे सेपरेट तैयारी नहीं करी थी एडवांस कि सर आपने अभी एडवांस की तैयारी तो कराई नहीं, ठीक है, 11th की। 11th जो अर्जुना के बच्चे हैं उनको कितने सारे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशंस मिले हैं, आप उनको फॉर द टाइम बीइंग देख सकते हैं, उनसे आप रिवाइज कर सकते हैं। जेई मेंस का पहले अटेम्प्ट अच्छे आपके अगर आ जाए 170 प्लस या 200 220 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तब आप सिक्योर होके सोच पाएंगे। 1.5-2 महीना या 3 महीना इज मोर देन सफिशियंट। कुछ बच्चों की मतलब ज्ञान की बातें हैं जो मैंने कल कमेंट में पढ़ी कि 1.5 महीना इज नॉट सफिशियंट फॉर एडवांस। अब आपको क्या लगता है, ठीक है, मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा लेकिन मैं वो चीज बोलूंगा जो मैंने अपने पर्सनली फील करी है, ठीक है। रियलिटी में देर इज नो सेपरेट प्रिपरेशन फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। जब आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है, उसी समय आपकी प्रैक्टिस डिसाइड करती है कि क्या आप अच्छे क्वेश्चंस को लगा पाते हैं, क्या आप अच्छे क्वेश्चंस के बारे में सोच पाते हैं या नहीं। शुरुआत वहां से होती है, ठीक है। कोई भी चीज का ऐसा नहीं है कि जेई मेंस का पढ़ाया फिर अचानक से एडवांस का पढ़ाया तो कुछ हो जाएगा, नहीं। एडवांस में बस आपकी थॉट प्रोसेस के बारे में होगा, मल्टीपल कॉन्सेप्ट एमलगमेशन होगा, मिक्सचर होगा, तो आपको उस तरीके से सोचने का नजरिया बनता है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं वहीं से आपका जेई एडवांस का भी बेस बनता है। पर्सनली मैंने कोई ऐसे सेपरेट तैयारी नहीं करी थी एडवांस की, ठीक है। मेरे को जो चीज अच्छी लगती थी उसको बहुत डेप्थ से समझा, उसमें गलतियां नहीं करी, वहीं से सिलेक्शन हो जाता।